तो नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया के खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश है मैं आपका स्वागत है। यह यूपी एडिशन है जहां पर हम उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा की बात करेंगे। 403 विधानसभाओं में से हर विधानसभा का चुन चुन कर हम वहां पर क्या कुछ है उसको जांचेंगे, परखेंगे, निरीक्षण करेंगे। क्योंकि क्या ये सिर्फ विधायकों के पास अधिकार है कि वो अपनी जनता के साथ जब चाहे जैसा चाहे जिस हिसाब का चाहे सुलूक करते रहे और अपने हिसाब से उसको जांचे परखें। तो अब जनता के पास भी यह मौका होना चाहिए, यह वक्त होना चाहिए कि उसके विधायक ने उनके लिए क्या कुछ किया है उसको जांचे परखे। तो ऐसे में यह खास कार्यक्रम यूपी एडिशन जहां पर हम एक विधानसभा से वहां के दो नेताओं को चुनेंगे, एक होगा सिटिंग एमएलए की तरफ से और दूसरा होगा वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी का एक नुमाइंदा। दोनों लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे, उनसे सवाल होंगे और जवाब भी लिए जाएंगे। साथ ही साथ यहां पर दर्शकों को भी जोड़ा जाएगा, दर्शक भी यहां पर जुड़ सकेंगे हमारे इस कार्यक्रम में। और जब दर्शक जुड़ेंगे तो दर्शक सीधे सवाल करेंगे और पूछेंगे कि क्या हुआ और क्या काम रह गया अधूरा। तो कामों को लेकर बातचीत होगी। आज हम बात करेंगे पूरनपुर विधानसभा, पीलीभीत, पश्चिमी यूपी, एक बड़ी विधानसभा। विधानसभा का नाम है पूरनपुर विधानसभा 129। पूरनपुर विधानसभा के मौजूदा विधायक हैं बाबूराम पासवान। बाबूराम पासवान ब्राह्मण और दलित वोटरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। बाबूराम पासवान ने 2017 की मैं बात करूं तो 2017 में हराया था पीतम राम को। पीतम राम समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा, इनकी पकड़ है यादवों में और मुस्लिमों में। उससे पहले 2007 की बात करूं तो अरशद खान बसपा से 2007 में जीते थे। इनके पास मजबूती क्या है? इनके पास है मुस्लिम वोट बैंक, जो कोर वोटर है इनका बताया जाता है। चौथा भी एक बड़ा चेहरा है डॉक्टर विनोद तिवारी। दल बदल करते हैं, कभी कांग्रेस में थे, फिर बसपा में थे, फिर समाजवादी पार्टी में आ गए। तो ये चार बड़े चेहरे हैं पूरनपुर विधानसभा के। लेकिन सवाल अब होगा बीजेपी से, क्योंकि 2017 में पीलीभीत में क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। ऐसे में पूरनपुर विधानसभा भी बीजेपी के हाथ लग गई थी और विधायक बनाए गए आपके बाबूराम पासवान। बाबूराम पासवान 2017 में जब वोटिंग हुई तो 66% वोट पड़े। 66% जो वोट पड़े उसमें बाबूराम पासवान ने पीतम राम को एक बड़े अंतर के साथ हराया था। तो वो बड़ा अंतर आज कितना बड़ा कामयाब हासिल हुआ है वहां के लोगों के लिए, वहां की जनता के लिए, इसको जांचेंगे और परखेंगे। तो कितना विकास, कितना आश्वासन, इस पर होगी बातचीत। ऐसे में आपको थोड़ा सा बाबूराम पासवान जी के बारे में बता देता हूं। 56 साल की उम्र है, किसान बताते हैं अपने आप को, समाज सेवी हैं, इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं है, अपने आप को किसान और समाज सेवी बताते हैं। लेकिन बड़े किसान मालूम पड़ते हैं क्योंकि लगभग 44 लाख रुपए की इनके पास एसेट है। लाइबिलिटीज कितनी है? लाइबिलिटीज बताई गई है 10 लाख रुपए से कुछ ज्यादा। क्रिमिनल केस भी है। हालांकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा विधायक होगा कि जिसके ऊपर एक आध क्रिमिनल केस ना हो। तो ऐसे में यहां बाबूराम पासवान जी हैं, इनके ऊपर भी क्रिमिनल केस बताए जा रहे हैं। कितने? 4। तो 4 क्रिमिनल केसेस भी हैं बाबूराम पासवान के ऊपर जो चल रहे हैं। 44 लाख एसेट है। और इसके साथ ही साथ विधायक जी दो चीजों को लेकर मशहूर रहे हैं, दो चीजों को लेकर मीडिया के कैमरे जो हैं इनका दर्शन कराते रहे हैं। पहली बात, 2019 नवंबर विधायक जी ने बयान दिया। विधायक जी ने कहा कि योगी सरकार में दरअसल भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरा बयान कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है और योगी सरकार आने के बावजूद भ्रष्टाचार चरम पर है। इसके साथ ही 2019 और 20 के दरमियान एक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया 2020 में कि विधायक निधि के 2 करोड़ रुपए, याद रखिएगा 2 करोड़ रुपए विधायक निधि के, जिसमें गोलमोल करके विधायक जी और उनके पुत्र ने भ्रष्टाचार किया। तो ये दो बड़े मामले जिसको लेकर विधायक जी घिरे और कितना घिरे इस पर करेंगे बातचीत। पूरनपुर विधानसभा जिसको कि मिनी पंजाब कहा जाता है, सिख बहुल क्षेत्र है। यहां से हमारे साथ दो मेहमान हमारे टीवी स्क्रीन पर जुड़ेंगे। मेहमानों को टीवी स्क्रीन पर लाइएगा प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही का, आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बात पे कहना चाहूंगा, आप सबसे पहले अपने बीजेपी के जो हमारे यहां पर नुमाइंदे हैं उनसे बात करेंगे। आप ये बताइएगा, पहले अपना परिचय दे दीजिएगा फिर बताइएगा कि वो एक काम जो आपने अपनी विधानसभा में किया और उसका फीता भी आपने काटा, मतलब शिलान्यास भी आपने किया, लोकार्पण भी आपने किया, काम पूरा आपकी विधानसभा में आपके विधायक द्वारा जो कराया गया, एक काम बताइएगा परिचय के साथ। चलिए ठीक है, ध्वनि यंत्र की समस्या, इस पर करेंगे काम। लेकिन उससे पहले आपको विधायक जी के बारे में समझा रहा था। तो पूरनपुर विधानसभा मिनी पंजाब कहा जाता है, क्यों? क्योंकि सिख बहुल क्षेत्र है। अब सिख बहुल क्षेत्र है तो ऐसे में इस बार इस विधानसभा की चर्चा दरअसल इसलिए और थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि इस विधानसभा में इस बार
किसान आंदोलन की आंच कितनी आती दिख रही है, यह एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि सिख बहुल क्षेत्र है। किसान आंदोलन के चलते यहां के ज्यादातर जो सिख हैं वो बीजेपी से नाराज नजर आते हैं। तो कितना नाराज हैं और बीजेपी को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, कितना खामियाजा उठाना पड़ेगा, ऐसे में यह विधानसभा अहम हो जाती है। सिख बहुत ज्यादा है इसलिए। तो इस विधानसभा की हम बातचीत कर रहे हैं, इस विधानसभा से हमारे पास दो नुमाइंदे होंगे जो लोग अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, इनसे हम बातचीत करेंगे। तो कितना हुआ विकास, कितना हुआ आश्वासन, इस पर बातचीत कर रहे हैं। बाबूराम पासवान जी की कुंडली खंगालेंगे कि 5 साल में बाबूराम पासवान ने आखिर पूरनपुर विधानसभा को क्या कुछ दिया, उस पर बातचीत करेंगे। टीवी स्क्रीन पर फोन नंबर्स भी फ्लैश किए जाएंगे, फोन नंबर्स जो फ्लैश होंगे उसके जरिए हम बताएंगे कि आप जुड़ सकते हैं। दर्शकों के सामने एक नंबर होगा, ठीक है, पश्चिमी यूपी 2017 बीजेपी क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि पीलीभीत में किसान आंदोलन की आंच जो है वो दरअसल समझ में आती है, दिखाई देती है। क्योंकि हम जिस विधानसभा की बात कर रहे हैं, पूरनपुर विधानसभा ही है, पूरनपुर विधानसभा में किसान आंदोलन की आंच कहीं ना कहीं आती दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि सिख बहुल क्षेत्र है, मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ यहां पर होगा, क्या कुछ होने वाला है, इस पर बातचीत करेंगे। उससे पहले जरा विजुअल्स चलाएंगे स्क्रीन पर, आपको पूरनपुर विधानसभा की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि पूरनपुर विधानसभा आखिर दिखता कैसा है। तो यह है पूरनपुर विधानसभा, रहे हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, मुलायम सिंह जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, और साथ ही साथ लेखराज भारती जी हैं, जिला महामंत्री हैं बीजेपी के। दोनों लोगों को स्क्रीन पर लेंगे, दोनों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितना काम हुआ पूरा और कितना काम रह गया अधूरा। दोनों मेहमानों से बातचीत करेंगे, नंबर लगातार फ्लैश होते रहेंगे, नंबर्स को दर्शक देख सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं नंबर्स के जरिए। हमारे कार्यक्रम में जुड़ेंगे, अपने नेताओं से सीधे सवाल कर सकते हैं। तो ऐसे में पूरनपुर विधानसभा हो रही है, पूरनपुर विधानसभा का हाल क्या है उसको जानेंगे, जमीनी हाल क्या है उसको जानेंगे, नेता भी हैं दर्शक भी हैं, पूरी विधानसभा में क्या कुछ हुआ है इस पर होगी बातचीत। वैसे में जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मुलायम सिंह जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से, और महामंत्री हैं, जिला महामंत्री हैं बीजेपी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश है में। चलिए सबसे पहले आपसे ही सवाल होगा लेखराज भारती साहब, एक ऐसा काम जिसको आपने किया शुरू और आपने किया खत्म, मतलब चंदन टीका भी आपने लगाया और आखिर में उसका नारियल फोड़ भी आपने किया, एक काम बताइएगा जो आपने अपनी विधानसभा के लिए खुद किया पूरा। सत्ता में आप है, सरकार आप है, तो सरकार से सवाल है, बताइए क्या विधानसभा में एक ऐसा काम बताइए जिसको आप ही ने शुरू किया और आप ही ने उसको खत्म किया अपने कार्यकाल में। अरे भाई मेरा कहना है, मैं आप एक ही बात कर रहे हैं, मैं कई काम ऐसे गिना दूं जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किए, भारतीय जनता पार्टी ने उसे संपन्न किए। जिस तरह से आपने देखा होगा, मैं सबसे एक महत्वपूर्ण काम ले रहा हूँ आपको और सारे काम छोड़ रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण काम कोरोना काल का, कोरोना काल में जब
मैं दरअसल उन काम की बात कर रहा हूं जो बाबूराम पासवान ने पूरनपुर विधानसभा में कराए। मैं उन कामों की बात नहीं कर रहा हूं कि उज्ज्वला योजना के तहत आपने कितने सिलेंडर बांटे, आपने कितना राशन घर घर बांट दिया, आपने मुफ्त वैक्सीन लगा दी। राज्य स्तर केंद्र स्तर की बात नहीं, केवल पूरनपुर विधानसभा की विधायक जी ने क्या क्या काम कराया, एक काम की बात करिए आपसे सर। जी 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 ठीक है सर। मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो हमारे पास हमारी पूरनपुर विधानसभा 129 पूरनपुर विधानसभा में जो एक मतलब सड़कों का जाल जो बिछाया है हमारी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में, तो मैं अभी आपको गिना देता हूँ। सबसे पहले एक काम गिनाता हूँ, कलीनगर से जो हमारा पूरनपुर को रास्ता जोड़ता है, ये कम से कम 45 गांव को जोड़ने वाला एक बहुत सुगम रास्ता बनाया गया। आपने देखा होगा वहां पर कितना जर्जर, सपा सरकार में कितनी जर्जर अवस्था में वो रास्ता हुआ करता था। उन लोगों को दूर से घूमकर मानव तांडव वाले रोड को घूमकर आना पड़ता था। मैं सबसे पहले हमारी सरकार ने उसका बहुत बढ़िया चौड़ीकरण करके और बहुत बढ़िया रोड बनाया है, मैं उसको संज्ञान में आपसे जानना चाहती हूँ। जो हाल है उसको दुरुस्त करने का आपने काम किया है, सड़कों की तबीयत में सुधार लाई है आपकी सरकार पूरनपुर विधानसभा में, यही कहा आपने? जी साहब, नहीं मैंने एक काम बताया, आपने एक काम पूछा, मैंने एक काम सड़कों का बहुत पूछा था, एक ही काम पूछा था जो सबसे आपने बेहतरी के साथ कराया। तो आपने कहा कि सड़कों को हमने बहुत व्यवस्थित कर दिया है, सड़कों की तबीयत में हमने खुलकर सुधार कर दिया है। ठीक है, हमारे कार्यक्रम की जो संरचना है उसमें जो हमारी खिड़कियां बनी हुई हैं, तो आपकी खिड़की के बिल्कुल ऊपर एक खिड़की और है, उस खिड़की में तस्वीरें चल रही हैं। सड़कों में ट्रैफिक की जो समस्या है, सड़कों की जो संकरा होना जो समस्या है, ये भी प्रमुख समस्याओं में से एक है, समझ रहे हैं आप? जी सर। चलिए ठीक है, मैं मुलायम जी के पास चलूंगा। मुलायम जी, अब लेखराज साहब ने तो कहा कि सड़कों को बड़ा दुरुस्त कर दिया, सड़कों को शानदार कर दिया, सड़कों की तबीयत जो थी वो खराब थी आपकी सरकार ने, उसमें भी सुधार कर दिया, क्या कहेंगे पूरनपुर विधानसभा? पहले मैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष हूँ, संजय खान नाम है मेरा, पुत्र जिला पंचायत सदस्य पूरनपुर। ये अगर बात करते हैं सड़कों की, तो ग्राउंड लेवल पर इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ जुबान पर काम है इनका। ये बताते तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ बताया भी है, तो सड़कों का कहीं कोई जाल नहीं है। आप देखिए धनारा घाट रोड सबसे महत्वपूर्ण रोड है, वो बैठे का खल्ले का खल्ला गड्ढा मुक्त करने की इन्होंने बात की थी और अभी भी उसमें गड्ढे हैं। और ऐसे में सैकड़ों रोड आपको गिना सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, जो अभी तक जर्जर अवस्था में। ये बात करते हैं पूरनपुर की, तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, पीतम राम साहब ने कैसी सड़कें बनाई थी कि उनकी सरकार जाते ही वो सड़कें खराब हो गई? किसने? पीतम राम साहब ने, जो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े विधायक थे, उन्होंने कैसी सड़कें बनाई थी? क्या टाइम लिमिट वाली सड़कें बनवाई थी कि 5 साल ही चलेंगी, सरकार गई तो सड़कें भी गई? कलीनगर मार्ग बता रहे थे, ये 2017 में अखिलेश सरकार में ये इसका प्रस्ताव हुआ था और इसकी स्वीकृति हुई थी। अच्छा ठीक है, हाँ, ये सिर्फ फीता काटने का काम कर रहे हैं हर जगह। पूरनपुर विधानसभा में भी जो भी विकास हुआ है वो भी अखिलेश जी ने करा था जी? मतलब आप कह रहे हैं कि पूरनपुर विधानसभा के बारे में ये जो कुछ बता रहे हैं कि इनकी सरकार में विकास हुआ, वो सब अखिलेश यादव ने सपना देखा था? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आवाज में कुछ समस्या आ रही होगी। वो लेखराज साहब कुछ कह रहे हैं, लेखराज साहब का थोड़ा ऑडियो खोलिए, लेखराज साहब कुछ कह रहे हैं। बहुत ही सुंदर करके बनवाने का कार्य हमारी सरकार ने करा और हमारे एमपी ने और हमारे विधायक जी ने उसका उद्घाटन और शिलान्यास किया है। आपने तो फीता काटने का काम किया है, अभी आपने सुना नहीं मुलायम जी को, वो कह रहे हैं कि फीता काटते हैं आप, फीता जी भी हैं। पैतालीस ग्रामों से जोड़ा गया है सुगम रास्ता, कल्याणपुर बहुत बड़ी हमारी नगर पंचायत है, उसको सीधा रास्ता पूरनपुर से जोड़ने का कोई नहीं था। ये मैंने जो आपने एक काम बताया, तो मैंने जी बताया। देखा था संजय जी सपना जानकारी है जी, आपने थोड़ी ना सपना देखा था। मुलायम जी कह रहे हैं कि जिस विकास की आप बात कर रहे हैं उसका दरअसल सपना 2017 से पहले अखिलेश जी ने देखा था। मेरा नाम संजय खान है भाई साहब।
हाँ ख्वाब देखा था आपने, फीता काट दिया उसका। हाँ का जो नेतृत्व कर रहे हैं, से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि जो पूरनपुर बस स्टैंड है, आप बसों की सर्वा बसें कब चलना स्टार्ट होंगी? नहीं बसें, ये जो मुख्य संजय खान जी आपको जानकारी नहीं है, बसें उसका उद्घाटन हो चुका है, बसें विधिवत चलती हैं। आपको आप जरा देखिएगा तो क्या पूरनपुर होके बसें नहीं जाती हैं? भारती जी सुनिए, जो गवर्नमेंट की बसें खड़ी हुई हैं वो स्टेशन चौराहे पर रोड पर खड़ी है, कोतवाली के पास रोड पर खड़ी है। आपको चाहिए कि आपके लोग बस स्टैंड पर उन बसों को खड़ा होना चाहिए था। नहीं आपकी बात सही है, बसें जब अंदर से निकल के आती हैं, आप आवाज ना दबाइए। मैं संपादक महोदय, लेखराज साहब आपसे सवाल यह है कि एक तरफ आपकी पार्टी में, क्योंकि अंदर से जो रास्ता है मान लीजिए लेखराज साहब जरा सुनिए, सिटिंग एमएलए जो है वो बाबूराम पासवान साहब है, ऐसे में एक और दावेदार है आपकी पार्टी से इस बार नजर आ रहे हैं, डॉक्टर विनोद तिवारी। तो क्या डॉक्टर विनोद तिवारी को भी टिकट मिलेगा? जनता को उससे फायदा हुआ है, इसको तो आप मानते हैं। आपकी सरकार ने केवल सपना दिखाया। साहब आप मुझको सुन पा रहे हैं? लेखराज साहब, संजय जी आपकी सरकार ने केवल सपना दिखाया और सपना साकार हमारी सरकार ने करा, ये आप खुद जानते हैं। ठीक है लेखराज साहब, आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? आप ठीक है, जब आपकी सरकारें लेखराज साहब खाने का काम कर रही है तो किसानों के ऊपर क्यों इतना उत्पीड़न किया, किसानों को क्यों मौत? लेखराज साहब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप लोगों ने, चलिए मेरा ऑडियो शायद जा रहा है लेखराज जी के पास। ये संजय जी समझ में ना आई, हम तीन कृषि काले कानून वापस लेते हैं, ये मिनी पंजाब है, ये किसानों की जान है, ये धरती पूरनपुर किसानों की जान है। चलिए लेखराज जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जो है लेखराज जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? दबने नहीं देंगे, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, मेरी सुनिए आप बात, किसानों को जितनी हम, संजय जी लेखराज जी आपको पता है आपके नाम कितनी जमीन है, आपके नाम अगर जितनी जमीन, अगर आप सुनिए लेखराज जी, आप बात कर रहे किसानों की, जब से मंडी में धान तुलने का काम हुआ तब से किसान धरने पर बैठे हैं, किसी भी सरकार में। चलिए लेखराज जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लेखराज जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मुलायम जी आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं मेरी ऑडियो नहीं जा रही है। लेखराज जी आपको मेरी आवाज आ रही है? लेखराज जी आपको मेरी आवाज आ रही है? तो ऑडियो डाउन करिए, लेखराज जी का भी ऑडियो डाउन करिएगा और मुलायम जी का भी ऑडियो डाउन करिएगा। लेखराज जी आपको मेरी आवाज आ रही है? 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 ऑडियो जरा उठाइएगा जरा लेखराज साहब का। लेखराज जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, वैसा मुझे आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, स्पष्ट आ रही है। ठीक है चलिए एक बड़ा सीधा सवाल आपसे कर लेता हूं कि एक तरफ आपके विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं बाबूराम पासवान जी, वहीं दूसरी तरफ इस बार अटकलें हैं कि डॉक्टर विनोद तिवारी को भी टिकट दिया जा सकता है, वो भी टिकट के दावेदार नजर आ रहे हैं। तो ये सवाल का जरा जवाब दीजिएगा, क्लियर कीजिएगा भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनके लिए कि क्या डॉक्टर विनोद तिवारी भी दावेदार हैं टिकट के? नहीं नहीं वैसा आपको जानकारी नहीं है, मैं दे दूं, वहां सुरक्षित सीट है। क्या पूरनपुर की बात कर रहे हैं आप? सीट है, देखिए सुरक्षित सीट है, अगर पूरनपुर विधानसभा में तब तो निश्चिंत है कि भैया बाबूराम पासवान जी या फिर पीतम राय ही बनेंगे, वही चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि अनुसूचित जाति की वो सुरक्षित सीट है। लेकिन अगर वो अनुसूचित जाति की सुरक्षित सीट नहीं होती है तो ऐसे में क्या डॉक्टर विनोद तिवारी को आप टिकट देंगे? नहीं नहीं ऐसा है वैसा, देखो मैं कह रहा हूँ अगर सब सीट नहीं होती है तो क्या डॉक्टर विनोद तिवारी को आप टिकट देंगे? आप भैसा थोड़ी सुनिए मेरी, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी है, ठीक है, जो भी निर्णय होता है पार्टी का संगठनात्मक हमारा, ठीक है, संस्कारवान पार्टी है। लेखराज साहब लेखराज साहब में काम कर रहे हैं, पार्टी के भाषण का निर्णय होगा, भाषण मत दीजिए, स्पीच मत दीजिए, पालन करेंगे।
अगर विनोद तिवारी जी को टिकट मिलेगा तो हम विनोद तिवारी जी को, ठीक है, पूरी अब ये बताइए जो आपकी पार्टी के विधायक हैं बाबूराम पासवान ने 2019 में ये कहा था कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार है और जारी है, लगातार चल रहा है, तो बाबूराम पासवान आज भी ये मानते हैं कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है? नहीं नहीं भाई साहब, ये बात तो आप भी देख रहे हैं कि बाबूराम पासवान ने कहा, मैंने नहीं कहा, वहां के जो सिटिंग एमएलए हैं, वहां के जो विधायक हैं, उन्होंने कहा कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार होता है। नहीं बिल्कुल नहीं, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं, नहीं, बाबूराम पासवान कह रहे हैं, वहां के जो विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप देखिए जो सिटिंग एमएलए हैं वो कह रहे हैं, तो होता है भ्रष्टाचार की नहीं होता है, एक तरह से वो बाबूराम पासवान ने कहा है। ठीक है, अटक गए, हमारे यहाँ अराजकता को खत्म किया है, ठीक है, अराजकता को खत्म किया है 2020 में बाबूराम पासवान पर 2 करोड़ का विधायक निधि का, 2 करोड़ रुपए विधायक निधि का गोलमोल करने का भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और बीजेपी के कार्यकर्ता ने ही लगाया था बाबूराम पासवान पर 2020 में, उस पर क्या कहेंगे? जाति के आधार पर सताया हो, आप एक एग्जांपल देता हूं वैसा, बाबूराम पासवान पर 2 करोड़ रुपए का विधायक निधि का जो पैसा था उसको गोलमोल कर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ऐसा नहीं किया कि किसी को, अगर अगर हमारा मुस्लिम भाई बाबूराम पासवान पर, अरे सुनिए आप अपनी बात मत करिए, देखिए जलेबी नहीं, जलेबी मत बनाइए, सुनिए जरा सवाल को सुनिए लेखराज जी, सवाल को सुनिए बाबूराम पासवान पर 2 करोड़ रुपए जो विधायक निधि के थे 2020 में, उस विधायक निधि के पैसों को गोलमोल कर भ्रष्टाचार करने का उन पर आरोप लगा है, इसका जवाब दीजिए। नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है 2 करोड़ रुपए विधायक निधि का बाबूराम पासवान पर, उस पर जवाब दीजिए। नहीं भाई साहब, ये ऐसे लोग को आरोप लगाना नहीं, जो है नहीं, विधायक पर अगर 2 करोड़ रुपए के, विधायक पर अगर 2 करोड़ रुपए विधायक निधि का गोलमोल कर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो ये बड़ी बात है, गंभीर बात है, ये गंभीर बात है, और उनके पुत्र पर भी आरोप लगा है, और बताया गया है कि आप लोगों ने जो विधायक निधि का पैसा था वो ई टेंडर में नहीं जा पा रहा था, इसलिए आपने उसको पूरनपुर ब्लॉक में लाकर अपने लोगों में बांट दिया, बंदर बांट कर दिया, आप लोगों ने उस पैसे का बंदर बांट किया, पूरनपुर ब्लॉक में लाके अपने लोगों को मैनुअल लेवल से टेंडर दिलवाए 2020 में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब विरोधी जो लोग करते रहते हैं, विरोधी नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता था जिसने ये आरोप लगाया था, वो बीजेपी का कार्यकर्ता, अगर लगाया भी है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे किसी ने, उसकी निष्पक्ष जांच हुई है और उस जांच में मतलब कोई इस तरह का तथ्य सामने नहीं आया। चलिए ठीक है, इसकी तो जांच का आपने हवाला दे दिया कि जांच होनी चाहिए 2019 में, उस सवाल पर दोबारा आता हूं, बाबूराम पासवान ने कहा था 2019 में कि योगी सरकार भ्रष्टाचार करने का काम कर रही है, कॉलर जुड़े हुए हमारे साथ, उनको भी लेके लेकिन ये सवाल ले लेते हैं, बाबूराम पासवान ने कहा था कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार अभी भी जारी है, तो ऐसे में क्या जो प्रदेश स्तर का जो नेतृत्व है वो उन पर, उनको टिकट देगा जब वो अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते हैं? ऐसा है उनके भाषा को तोड़ मड़ोड़ के लोगों ने पेश किया, ऐसा कुछ नहीं है, और उन्होंने कहा कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार अभी भी जारी है, जब राशन कोटेदार के यहाँ वो पहुंचे, उन्होंने देखा, तब उन्होंने कहा कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, रुका नहीं है, चल रहा है भ्रष्टाचार, बहुत चरम पर है, उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, ना ही मुलायम जी ने कहा, उन्होंने कहा। नहीं ये मैंने, मुझे या तो वो बहुत ईमानदार नेता है बाबूराम पासवान, या तो बहुत ईमानदार है कि अपनी ही सरकार पर आरोप लगाने की वो कुब्बत रखते हैं, ताकत रखते हैं, तो ये अच्छी बात है, आप बोल दिए अच्छी बात है, जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये सब जानते हैं कि आप ये बताइए कि आप बाबूराम पासवान बहुत खुद्दार और बहुत ईमानदार नेता हैं कि वो अपनी सरकार पर भी आरोप लगाने की कुव्वत रखते हैं, ताकत रखते हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं नहीं मैडम, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, और मैं आपसे इस बारे में क्षमा चाहूंगा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। कॉलर को लेते हैं, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए ठीक है, कॉलर को लेते हैं, उनका सवाल लीजिएगा, उनके सवाल से आप समझिएगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइएगा।
हेलो जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपनी बात रखिए, नाम बताइएगा अपना। चलिए ठीक है, शायद आवाज नहीं आ रही हमारे कॉलर की, फिर हम अगले कॉलर को लेंगे और कॉलर जो है अपने नेताओं से सवाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आपसे तो ज्यादा बातचीत हो गई मेरी लेखराज जी, अब मुलायम जी के पास भी आऊंगा। तो मुलायम जी, पूरनपुर विधानसभा में क्या लग रहा है, बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा हाथ लगा है, किसान आंदोलन के चलते पूरनपुर विधानसभा में फायदा होता दिख रहा है, क्योंकि सिख हैं ज्यादा और सिख जो है बीजेपी से नाराज भी है। मुलायम जी की आवाज को खोलिए जरा। संपादक जी, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। मैं आपसे ये देखिए, मेरा नाम संजय खान है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ मुलायम सिंह यूथ क्रिकेट का। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये मुझको लिख कर दिया गया है, मुलायम जी आपका नाम बताया गया, चलिए माफ कीजिएगा। चलिए, वो कोई टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा। देखिए, भारती जी अभी बता रहे थे कि सड़कों का जाल बिछाया है, तरह तरह की बातें ये कर रहे थे, और आज जो किसानों की ये बात कर रहे थे, तो भाई आप देखिए कि किसान जब से मंडी समिति में धान तोलने का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, उसी दिन वो तारीख और आज की भी तारीख, अभी तक मंडी समिति में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। आप देखिए कि जो उनका समर्थन मूल्य है वो उनको नहीं मिल रहा है, बीज के दलाल उनके धान को, गेहूं को 800 से 1000 रुपए में खरीदने का काम कर रहे हैं। आप ठीक है, आप पूरी बात समझिएगा। और रही बात विकास की, तो इनकी जो इन्होंने विकास किया है वो सिर्फ जबान पे है, इनका विकास धरातल पे कुछ नहीं। ये इनको 2022 के चुनाव में सरजमीन है पूरनपुर की जनता, इसका जवाब देगी कि आपने कितना विकास किया है और कितना नहीं विकास किया है। अभी कुछ दिन तो ऐसे भी हालात हुए थे इसी 129 विधानसभा में कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता सड़कों पर निकलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि किसान पूरनपुर का जो किसान, पूरनपुर का जो अन्नदाता था, वो इनकी गाड़ियों को रोकने का काम कर रहा था। आप अगर ये बताइए, अगर ये ठीक कार्य कर रहे हैं, तो इसे इसी जनपद के सांसद वरुण गांधी जी लगातार सरकार के ऊपर हमले कर रहे हैं। अभी पलिया विधानसभा के जो विधायक हैं रोमी साहनी जी, वो रो रो कर अपना दर्द बयान कर रहे थे कि सरकार सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, किसानों के लिए वो अपने आंसुओं को बहा रहे थे। ठीक है, तो रही बात 129 विधानसभा क्षेत्र की, तो ये मिनी पंजाब है। हमारे सिख भाई जिन्होंने अब एक मिनट लगभग एक आंदोलन में शामिल रहे, आपने भी बात रख ली, जो इनके अत्याचारों को, जो इनके नेताजी अब थोड़ा जो इनके अत्याचारों को बर्दाश्त करते रहे, वो 2022 में इनको सबक सिखाने का काम करें। ठीक है नेताजी, अब सवाल लीजिए। प्रीतम राम साहब जो संजय जी, उनके लिए कहा जाता है, लेखराज साहब जवाब दीजिएगा, लेखराज साहब थोड़ा रुकिए, प्रीतम राम साहब के लिए कहा जाता है कि उनका जो कोर वोटर है वो मुस्लिम है और यादव है, मुस्लिम है और यादव है, समीकरण बिगड़ रहे हैं क्या, इसलिए आप आज किसानों की बात कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का मुस्लिम है, यादव है, कोर वोटर है, आज समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए आप किसान किसान की बात कर रहे हैं। 2017 से पहले या 2019 से पहले का अगर जिक्र करूं, तब तक आपकी जुबान पर किसान नहीं था, तब तक आपकी जुबान पर किसान नहीं था, लेकिन किसान आंदोलन चूंकि हुआ, इसके बाद इसको इनकैश करने के लिए, इस मुद्दे को बनाने के लिए आप अब किसानों की बात कर रहे हैं, आपकी जुबान पर अब किसान आने लगा है, ठीक कही या गलत? सुनिए, जब जब किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमला किया है, तब तब समाजवादी पार्टी 2017 से पहले क्या किसान आत्महत्या नहीं करते थे? क्या 2017 से पहले खाद की आपूर्ति पूरी तरह से निष्पक्ष थी? क्या 2017 से पहले किसान खुश थे? क्या 2017 से पहले एमएसपी पर कानून था? क्या 2017 से पहले किसानों के जीवन में कुछ सुधार करने का काम आपकी सरकार ने किया? नहीं किया ना। हर सरकार अपने अपने आवाज दोनों पे डाउन कीजिएगा, हर सरकार अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातें करती है, लेकिन दरअसल 5 साल के बाद क्या बदलता है? नेताओं के आगे एक गाड़ी एक्स्ट्रा लग जाती है और नेता की गाड़ी के पीछे एक गाड़ी एक्स्ट्रा लग जाती है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का, बानियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दरअसल दोनों ही पार्टियों का अपनी अपनी बातचीत है, पूरनपुर विधानसभा की बात कर रहे थे,
क्या कुछ बदलता है पांच सालों में? अगर तस्वीर पेश की जाए तो बदला सिर्फ यह है कि पीतम राम साहब जब 2012 में आए थे तो तीन गाड़ियों के काफिले से चलते थे, 2017 में जब गए तो कोई सुधार तो हुआ नहीं लेकिन 6-7 गाड़ियों का काफिला ज्यादा बढ़ गया, 2017 में जब बाबूराम पासवान आए तब इनका भी काफिला थोड़ा सा मीडिएटर और एवरेज लेवल का नजर आता था, लेकिन आज की तारीख यह बयां करती है कि सड़कों पर जब बाबूराम पासवान निकलते हैं तो जाम लग जाता है। तो नेताओं के जीवन स्तर में तो काफी सुधार हुआ, क्या पूरनपुर विधानसभा में सुधार हुआ? इसी को जानने के लिए आज का कार्यक्रम था मेरा गांव मेरा देश। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी अगली विधानसभा के साथ, वहां का क्या हाल है, जमीनी हाल उसको जांचेंगे, परखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।